खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। राव नगर परिषद क्षेत्र में स्थित इंडस्ट्रीज एरिया के पूरे इलाके में देखा गया कि वहां के हालत बद से बदतर हैं। राव इंडस्ट्री एरिया में कई जगह गंदगी आदि की भरमार है। उसी क्षेत्र की फैक्ट्री से निकलने वाला केमिकल का पानी रोड पर भरा हुआ देखा जा सकता है। वहां निवास करने वाले क्षेत्र में भी और कई मोहल्लों में भी देखा जा सकता है। नालियां बनी हुई हैं, लेकिन उन नालियों की साफ सफाई कई सालों से नहीं हुई। पिछले 4 वर्षों से इंदौर स्वच्छता में देश में पहले नंबर पर आ रहा है, लेकिन इंदौर शहर से लगी हुई नगर परिषद राव में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जिधर देखो उधर गंदगी ही गंदगी, एवं वहाँ के नागरिक नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। लेकिन बीजेपी की नगर परिषद द्वारा उन बाहरी क्षेत्रों में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है और न ही ध्यान दिया जा रहा है, खास तौर पर इंडस्ट्रीज एरिया में। जबकि राव नगर परिषद को इंडस्ट्रीज एरिया सही सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्त होता है, उस क्षेत्र में कचरा गाड़ी जाती ही नहीं है। यह कहना है वहाँ के निवासियों का कि महीने में एक आध बार कचरा गाड़ी एवं सफाई कर्मचारी नहीं आते हैं। साथ ही वहाँ के निवासियों का कहना है यहाँ फैक्ट्री मालिकों द्वारा अतिक्रमण भी किया गया, जिसकी शिकायत करने के बाद भी नगर परिषद ध्यान नहीं देती है। ऐसा लगता है कि राव नगर परिषद के अध्यक्ष पार्षद एवं अधिकारियों की मिलीभगत से और ऑफिस के कैबिन में बैठकर नगर परिषद राव को चलाया जा रहा है। परिषद अधिकारियों के आम जनता की समस्या से कोई सरोकार नहीं कि परिषद की क्षेत्र की जनता कब तक नरक भोगेगी। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष शिवा डिंगू ने कहा है कि हम दिखलाते हैं और यदि ये सही पाया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किस तरह की समस्या वगैरह आती है इस रोड पर? हाँ, बच्चे बच्चे भी निकलते हैं, सब गाड़ी निकलते हैं, अभी इधर से सब पूरी गंदगी आती है, बोलते तो कुछ क्या करते हैं। तो यहाँ के पार्षद वगैरह को आपसे बात हुई है क्या कुछ? उधर का बोलते हैं मोहल्ले तरफ का, तो उधर आते जाते हैं कभी कभी, उधर साफ करके चले जाते हैं। अच्छा, ये जो कंपनियों का पानी रोड पे आ रहा है इनके बारे में आप पार्षद वगैरह? सर अभी कुछ भी नहीं बोला अपन ने, इधर से ज़्यादा समस्या नहीं, उधर का बोला अपन ने साफ करके चले जाते फिर वापस गंदगी हो जाती है। रामनगर में जो औद्योगिक क्षेत्र है, पहले तो आपको कुछ जानकारी दे दूं, आधा क्षेत्र गंगवासा पंचायत में आता है और आधा क्षेत्र राव में आता है। तो जो राव का जो एरिया है उसमें पूरी तरह आपने पूरे औद्योगिक क्षेत्र में वाटर लाइन भी डाली, लेकिन उद्योग वाले लोग जो है हमारी कचरा गाड़ी जाती है उसमें कचरा ना फेंकते हैं। हमने उसमें 2-3 बार उनके ऊपर कार्रवाई भी करी, दंडात्मक कार्रवाई करी, उसके बाद कुछ परिणाम आने लगे। लेकिन अभी जब से मध्य प्रदेश में सरकार का पलटा हुआ था, जब से सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई थी, अब फिर से हम एक्शन मोड में आए हैं और पब्लिक की जितनी भी औद्योगिक क्षेत्र में। महू से संजय परमा की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।